हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 चल रहा है, जिसमें हम इसके पहले कुछ पृष्ठभूमि चर्चा किए थे। और आज हम प्यारे बच्चों इसके आगे ही हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। चलिए तो हेडिंग डालते हैं, शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, किस प्रकार से किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। देखिए, पूरा बेसिक से कोशिश यही करूंगा मैं, पूरा बेसिक से आपको समझाऊं, ताकि आपको किसी भी टॉपिक पर डाउट ना हो सके। तो आप लोगों को पता होगा प्यारे बच्चों, पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ, पदार्थ की परिभाषा आपको पता है कि कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, वो पदार्थ कहलाता है। कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरता है, तथा जो स्थान घेरता है, वह उसे ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, वह उसे ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया, ठोस, द्रव, गैस। तो ये केमिस्ट्री का सिलेबस है, इसमें हम आगे नहीं चलेंगे। लेकिन यदि हम बात करें कि कोई भी पदार्थ या यौगिक किससे मिलकर बना होता है, प्यारे बच्चों, यदि हम पदार्थ की बात करें तो पदार्थ किससे मिलता है, पदार्थ जो है अणु से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? अणु से मिलकर बना होता है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ये जो अणु है किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से मिलकर बना होता है, ठीक है। और आगे चलकर परमाणु का जो मॉडल आया, तो परमाणु के मॉडल में थॉमसन ने प्रयोग किया, रदरफोर्ड ने प्रयोग किया, इसके बाद डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत आया। फाइनली लास्ट स्टेज में ये निष्कर्ष निकला कि परमाणु में एक नाभिक होता है जिस पर संपूर्ण रूप से द्रव्यमान निहित होता है। ये नाभिक होता है जिस पर संपूर्ण रूप से द्रव्यमान निहित होता है, और इसी नाभिक में प्रोटॉन होता है और दूसरा होता है न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये सिद्धांत पाया गया, ये एक पदार्थ है। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? अणु। हम क्या पढ़ रहे हैं? आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। लेकिन बेसिक से चलना पड़ेगा ना, आपका मतलब आपको कोई भी दिक्कत ना हो सके। तो पदार्थ हमने समझाया, अब पदार्थ वास्तव में आप समझ गए कि कोई ना कोई वस्तु है जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, ये तो पदार्थ है। लेकिन पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? तो पदार्थ कहीं ना कहीं अणु से मिलकर बना होता है, और अणु किससे मिलकर बना होता है? परमाणु। और परमाणु में भी छोटे छोटे कण हैं, मुख्य रूप से कौन कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, ठीक है, प्रोटॉन पर धनावेश, और न्यूट्रॉन एक क्या होता है? न्यूट्रल, यानी उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है, सबको पता है। अब कोई भी परमाणु हो सकता है। परमाणु में नाभिक के चारों ओर, ये जैसे नाभिक है मेरे बच्चों, नाभिक है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पाया जाता है, एक वृत्ताकार पथ पाया जाता है जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जहां इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, आवेश उत्पत्ति कैसे होती है, इसके इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत ये हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो कोई भी परमाणु होगा, परमाणु में क्या होंगे? कक्षा होंगे। कक्षा क्या होता है मेरे बच्चों? किसी भी पदार्थ के, यानी परमाणु के नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कक्षा कहते हैं। तो ये आपका नाभिक है जहां प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इसके चारों वृत्ताकार पथ पाया जा रहा है जहां इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जहां इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। अब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने के साथ साथ मेरे बच्चों क्या होता है कि जो नाभिक के अत्यंत पास होता है, जैसे मान लीजिए यहां भी इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? नाभिक के चार वृत्ताकार पथ में हर जगह क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। लेकिन आपको पता है कि ये जो पास वाला कक्षा है, पास वाला कक्षा है, उसका नाभिक के प्रति आकर्षण बल प्रबल होगा, और इन इलेक्ट्रॉनों को
जिनका की नाभिक के प्रति आकर्षण प्रबल होगा उसे बोलेंगे बद्ध इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? बद्ध इलेक्ट्रॉन। यदि कोई आपसे पूछ दे बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या है, तो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ जहां इलेक्ट्रॉन का आकर्षण नाभिक के प्रति ज्यादा होता है उसे हम कहते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। लेकिन वहीं पे जब बाहरी कक्षा की बात करें तो बाहरी कक्षा में जितना आकार बड़ा होता जाएगा परमाणु का, नाभिक के से दूरियां क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, आकार बड़ा होता जाएगा, उतना ही प्यारे बच्चों अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेकर चलता हूं, आपके पास पांच दोस्त हैं, पांच दोस्त में से चार दोस्त ऐसे हैं जो कि डेली के डेली मिलते हैं, और जो पांचवा दोस्त है एक महीने में एक बार मिलता है, तो सबसे अच्छा दोस्ती किसके साथ होगा? उन दोस्तों के साथ आपकी दोस्ती अच्छी होगी जो डेली मिलते हैं। लेकिन जो दोस्त आपको पांच दिन में मिलता है, दस दिन में, पंद्रह दिन में, बीस दिन में, पच्चीस दिन में, एक महीने में, उसकी दोस्ती उतनी ही कमजोर हो जाएगी। वही सिद्धांत यहाँ पे भी लागू हो रहा है। ये आपका नाभिक है, नाभिक के जो पास में इलेक्ट्रॉन होंगे उनका आकर्षण बल ज्यादा होगा, वो बंधे रहेंगे नाभिक के साथ, एकदम क्लोज रहेंगे, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, इसलिए उसे हम बोलेंगे क्या, बद्ध इलेक्ट्रॉन। कभी कभी मतलब आपसे कोई पूछता है या कि ऑब्जेक्टिव में आ जाता है प्यारे बच्चों कि बद्ध इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन, तो आपको बताना है, मैं जो बता रहा हूं कि नाभिक के अत्यंत पास परिभ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन जो कि नाभिक के साथ प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं उन्हें हम बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी नाभिक के आसपास यानी समीप परिभ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिनका आकर्षण बल नाभिक से प्रबल होता है। समझ में आया? बद्ध किसे कहेंगे? आपका वो दोस्त जो डेली मिलेगा आपसे, ज्यादा नाते रिश्तेदारी निभाएगा, ज्यादा दोस्ती निभाएगा, ज्यादा आपका सहायता करेगा, वो बद्ध इलेक्ट्रॉन अर्थात आपका बद्ध दोस्त कहलाएगा, क्योंकि आपके साथ तो क्लोज रिलेशनशिप है, आपका बहुत ज्यादा फेवरेट है, डेली मिल रहा है, अट्रैक्शन ज्यादा है। लेकिन जो बच्चा यदि जो दोस्त आपका एक महीने में मिल रहा है, पच्चीस दिन में मिल रहा है, बीस दिन में मिल रहा है, तो भैया वो बद्ध कहां से, उसे ही बोलेंगे क्या मुक्त, उसे तो थोड़ी से धक्का दे दो वो दोस्ती टूट जाएगी। जो कभी कभी व्यक्ति मिलता है थोड़ी सी दरार डाल दो, नाराजगिरी कर दो, वो दोस्ती क्या हो जाती है, टूट जाती है। उसी प्रकार से ये जो हमारा एक परमाणु है, परमाणु के बाह्यतम कोष में यानी बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बद्ध इलेक्ट्रॉन नहीं कहलाते, वो इससे स्वतंत्र होते हैं, बहुत कम अट्रैक्शन होता है, और लो एनर्जी पे यानी थोड़ा सा दी एनर्जी दे दिया जाए प्यारे बच्चों, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, और इन्हीं को कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। और विद्युत धारा के चालन का सबसे प्रमुख कारण होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। कोई भी पदार्थ विद्युत का चालन करता है इसका कारण क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। समझ में आया कि कोई भी पदार्थ है, पदार्थ अणु से मिलकर बना होता है, अणु किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है, परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, और प्यारे बच्चों परमाणु के चारों वृत्ताकार पथ पे होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये पाया गया कि जितना आपका प्रोटॉन है उतना आपका न्यूट्रॉन होगा, जितना प्रोटॉन है उतना आपका इलेक्ट्रॉन होगा। वैसे दुनिया का कोई भी परमाणु होगा हमेशा उदासीन अवस्था में रहता है, नॉर्मल स्टेज में, लेकिन प्यारे बच्चों विद्युत का चालन कब करेगा, जब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन कब होंगे, हमने बताया कि बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कम आकर्षण बल से बंधे रहते हैं, इनमें थोड़ा सा भी एनर्जी दे दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं और चलने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं, चलने लगते हैं, इस कारण से विद्युत धारा का चालन होता है। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ लो, ये चीज आप लोग समझ लो, यही है आपका प्यारे बच्चों आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, यानी किस प्रकार से विद्युत धारा का चालन होने लगता है। ये क्लियर है, ये हमारा क्लियर, केवल देखो इसको आपको समझना है, ये आपको समझना है कि वास्तव में मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां से आ जाते हैं, वास्तव में आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन के साथ साथ बद्ध इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे। तो नाभिक के चारों ओर परिभ्रमण करने वाले जो अत्यंत पास होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स जिनका ज्यादा होता है, उन इलेक्ट्रॉनों को हम बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन नाभिक के बाह्यतम यानी किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन जो पाए जाते हैं, जो कम एनर्जी पर अपना क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो पहला हमारा तो यही था, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे भैया। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, कोई भी परमाणु है हमेशा न्यूट्रल स्टेज में रहता है, लेकिन जब उस पर एनर्जी दी जाती है तभी वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है। वही इलेक्ट्रॉन जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है और विद्युत धारा चालन का कारण होता है। कोई भी
पदार्थ विद्युत का सुचालक होता है, यानी विद्युत धारा का चालन करता है। उसमें केवल और केवल क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो मेरे बच्चों चालन नहीं करेंगे। जैसे हमारा ये विद्युत रोधी पदार्थ है, इसमें जब हम घर्षण कराएंगे तो आवेश इसके एक ही जगह पर होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, इसलिए इसका चालन नहीं होता। इसलिए तो कभी कभी इसको बाल में जब रगड़ो और हल्का डस्ट के पास ले जाओ मेरे बच्चों, इसमें डस्ट क्या हो जाता है, चिपक जाता है। क्या हो जाता है, डस्ट चिपक जाता है। ठीक है, इसका कारण क्या होता है, यदि ये चालन करता तो जब घर्षण कराते तो इसके थ्रू इसका विद्युत धारा हाथ के थ्रू नीचे चला जाता, पृथ्वीकृत हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको पता है कि जब घर्षण कराते हैं तो आपका क्या उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था धनावेश और ऋणावेश, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा कर लिया था। और यहां पर थोड़ा ये समझ गए आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, कैसे आवेश कैसे आ जाता है भैया। ठीक, अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा घर्षण विद्युत की व्याख्या। और चाहो तो जो मैं परिभाषा बताता हूं उनको आप लिखते चलो। जैसे बद्ध इलेक्ट्रॉन मैंने बता दिया कि नाभिक के चारों ओर परिभ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉनों को बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो कि अत्यंत आकर्षण बल से बंधे होते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन जो कम एनर्जी से क्या करते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं, जिनका आकर्षण बल बहुत कम होता है, उसे क्या बोलते हैं फिर बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो कि बाहर ही क्या करते रहते हैं, विचलित होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। समझ में आया इतना, क्लियर। चलिए अब हमको क्या पढ़ना है, घर्षण विद्युत की व्याख्या। घर्षण के आधार पर आवेश उत्पन्न होता है, सबको पता है। जैसे हम एक रेशम का कपड़ा ले लें प्यारे बच्चों, रेशम का कपड़ा, ठीक है, एक रेशम का कपड़ा ले लें और कांच का छड़, ठीक है, ये कांच का छड़ ले लेते हैं। ठीक है, अब इस रेशम के कपड़े में कांच के छड़ को घर्षण कराते हैं, क्या कराते हैं, घर्षण। जैसे मान लीजिए एक्सवाइजेड, जैसे कांच का छड़ है मान लीजिए, और फिर ये आपका रेशम का कपड़ा है, तो इसके बीच क्या कराएंगे, घर्षण कराएंगे। जब घर्षण कराएंगे तो देखा गया कि इसमें एक प्रकार का आवेश होता है और इस रेशम के कपड़े में भी एक प्रकार का आवेश होता है, जिसे बोल दिया गया कि जो कांच के छड़ पर आवेश होता है उसे धन आवेश कह दिया गया, और रेशम के कपड़े में जो आवेश होता है उसे ऋण आवेश कह दिया गया। अब घर्षण से होता क्या है, एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ में जाता है, तभी वहां पे आवेश उत्पन्न होता है। आपने देखा इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से मुक्त करते हैं, ये आपका पदार्थ है, ये भी आपका पदार्थ है, इन पदार्थों में अणु होगा, अणु के अंदर परमाणु होंगे, परमाणु में नाभिक होगा, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा, उसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होगा। अब इलेक्ट्रॉन जब घर्षण कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित होगा। हमने कहा कांच का क्षण जो है रेशम के कपड़े के साथ घर्षण कराए तो कांच का क्षण धनावेशित हो गया, मतलब जो है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ। तो जो दे दिया इलेक्ट्रॉन उस पर धनावेश, देने वाला हमेशा धनी होता है और लेने वाला हमेशा ऋणी होता है। तो कांच का छड़ यहां पर धनावेशित हो चुका है, धनावेश है कांच के छड़ पर। क्यों प्यारे बच्चों, क्योंकि कांच ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, रेशम को दे दिया, रेशम के कपड़े को दे दिया। इस प्रकार से घर्षण विद्युत व्याख्या, यानी घर्षण के कारण विद्युत उत्पन्न होता है। आप बहुत सारा एग्जाम्पल देखोगे, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ठंडी के दिनों में जब आप ऊनी कपड़ा निकालते हो तो कभी कभी छोटे छोटे, है ना, चिंगारी हमें दिखाई देते हैं, चट चट की आवाज आती है, ऐसे होता है। अचानक जब कार को हम कार का दरवाजा खोलते हैं तो झटका महसूस होता है, तो इसका कारण क्या होता है, घर्षण होता है। जब प्यारे बच्चों वायुयान उतरता है, मतलब लैंड करता है, तो वायुयान का टायर जो है जमीन से टकराता है तो घर्षण होती है, घर्षण होने के कारण उस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, लेकिन वो पृथ्वी से जुड़ा रहता है इसलिए पृथ्वीकृत हो जाता है। इसी प्रकार जब ईंधन युक्त जो टैंक होते हैं चलते हैं
तो उनमें घर्षण होता है, घर्षण होने के कारण आवेश उत्पन्न होता है, लेकिन उसमें एक जंजीर लटका दिया जाता है जो पीछे की ओर बॉडी से बॉडी के साथ टच होता है और जमीन को छूते हुए चलता है। इसका कारण क्या होता है, जैसे मान लीजिए ईंधन युक्त जो टैंक होता है, जो वाहन होता है, ट्रक वगैरह होता है, बच्चों वो चल रहा होता है, जब घर्षण होती है तो वायु के साथ घर्षण होता है और घर्षण होने से उसमें क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। यदि वो आवेश उत्पन्न यदि नष्ट ना हो पाए तो चिंगारी उत्पन्न हो जाएगा और ईंधन में आग लग जाएगी। इसलिए उसको क्या करते हैं, एक जंजीर लगा दिया जाता है लोहे का, सुचालक पदार्थ का, ताकि जो भी आवेश टैंक पर उत्पन्न हुआ है वो आवेश टैंक के सहारे कहां चला जाए, पृथ्वी पर चला जाए। तो ये होता है आपका, है ना, घर्षण का सिद्धांत। इसी प्रकार से एबोनाइट के क्षण को, एबोनाइट वैसे आज का एक क्लास बहुत ज्यादा खास स्पेशल तो नहीं कहूंगा, लेकिन बेसिक चीज है इसलिए मैं करा रहा हूं। एबोनाइट का क्षण है आपके पास, एबोनाइट का क्षण है आपके पास, ठीक है, और इस एबोनाइट के क्षण को आप ऊनी कपड़े के साथ रगड़ो, ऊनी कपड़ा है आपके पास। जब इसको आप घर्षण कराओगे इसके बीच क्या होगा, घर्षण होगा, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण इधर होगा, कहां से, ऊनी कपड़े से एबोनाइट के क्षण पर। तो एबोनाइट के क्षण पर कौन सा आवेश हो जाएगा, ऋणावेश, और ऊनी कपड़े पर धनावेश। इसकी नामकरण किसने की भैया, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि कांच के क्षण को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर, कांच के क्षण पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे धनावेश कहा जाता है, एबोनाइट के क्षण को ऊनी कपड़े से रगड़ने पर। ये हमारा रेशम का कपड़ा था, कांच के क्षण का एक्सपेरिमेंट रेशम के कपड़े के साथ किया, तो घर्षण के फलस्वरूप जो आवेश उत्पन्न हुआ कांच के क्षण पर उसे धनावेश कह दिया गया। और इसके बाद मेरे बच्चों एबोनाइट के क्षण को ऊनी कपड़े से रगड़ा गया, तो ऊनी कपड़े में कौन सा आवेश आया, धनावेश, और एबोनाइट पर कौन सा आया, ऋणावेश आया। तो एबोनाइट पे जो भी आवेश उत्पन्न होता है, एबोनाइट का क्षण है, उसको हम कह दिए क्या, ऋण आवेश, ठीक है। तो यही है घर्षण विद्युत का व्याख्या, एग्जाम्पल मैंने बता दिया, आप कुर्सी में बैठ लेना, कुर्सी में बैठे हुए व्यक्ति को ये रहे कि पैर जमीन से ना छुए, फिर उस पर आप कपड़े के साथ उसको थोड़ा सा ऐसे, है ना, जैसे कपड़े के साथ उसको थोड़ा सा कुर्सी के साथ ऐसे रगड़ना, तो ऑटोमेटिक पैर बच्चों कुर्सी पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। उसे यदि कोई व्यक्ति बाद में छुएगा तो थोड़ा सा झटका महसूस होता है, ज्यादा नहीं कि करंट लग जाएगा। एक काम करना, अंधेले में बैठ लेना, किसी व्यक्ति को बैठा लेना, ठीक है, और उसको किसी ऊनी कपड़े से, यदि आप भी क्या है कि पृथ्वी का इतना हो, पता चले उसका आवेश कपड़े से होते ही आपके अंदर चला, ऐसा ना हो, फिर आप उसको छूना तो आपको थोड़ा सा झटका आभास होगा। मैंने कहा ना, कभी कभी कांच जो आपका कार होता है, कार का दरवाजा अचानक खोलें या बंद करें, थोड़ा सा झटका आभास होता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया भैया, ऊनी कपड़ा जब आप ठंडी के दिनों में उतारते हैं या पहनते हैं तो कभी कभी घर्षण होता है, कभी कभी तो ऊनी कपड़ों में घर्षण हुआ, आवेश उत्पन्न हुआ और आपके जो शरीर में बाल होता है, छोटा छोटा बाल होता है, उसको भी आकर्षित करता है, ये चार्ज के ही कारण। यही है मेरे बच्चों, एक चीज यहां पर लिख लेना, ठीक है, कि कोई भी पदार्थ, एक चीज आप लिख लो यहां पर, मैं बता देता हूं, घर्षण के फलस्वरूप, ठीक है, घर्षण के फलस्वरूप जितना धन आवेश उत्पन्न होता है उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है, जितना धन आवेश उत्पन्न होता है उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न होता है घर्षण के फलस्वरूप। जैसे हमने दो पदार्थ लिया, एक पे धन आवेश है तो दूसरे पर ऋण आवेश होगा, तो जितना पे बच्चों एक पदार्थ पर धन आवेश उत्पन्न होगा उतना ही दूसरे पदार्थ पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा, ये चीज आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा और कुछ बेसिक चीज, आज का ये पूरा बेसिक ही है, इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको क्वांटीकरण किसे कहते हैं, योजता, आवेशों का योजता क्या है, ये सब चर्चा करेंगे। अब थोड़ा सा यहां पर पढ़ ही रहे हो, क्रम से पढ़ ही रहे हो तो समझो भाई साहब, चालक किसे कहते हैं,
चालक किसे कहते हैं? ठीक है, आपका चालक क्या है? ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का चालन हो आसानी से, उसे हम क्या बोलेंगे? चालक कहेंगे। अब हमने बताया आपको कि चालक क्यों कहा जाता है, किस कारण से कोई पदार्थ चालन करता है, उसमें होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत मैंने क्या बताया कि कोई भी पदार्थ है, इसीलिए तो सब बेसिक्स एक के बाद एक स्टेप पे फंसे हुए रहते हैं। भाई साहब फिजिक्स पढ़ रहे हो, एक निश्चित क्रम में पढ़ा जाता है। तो हमने क्या बताया कि कोई भी पदार्थ है, पदार्थ अणु से मिलकर बना है और अणु जो है परमाणु से मिलकर बना है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन बाह्यतम कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन है वो कम फोर्स के साथ कम बल से ही वो क्या हो जाते हैं, बाहर पृष्ठ पर घूमते रहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वही मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों विद्युत धारा चालन का कारण। तो चालक ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का चालन सुगमता पूर्वक हो सकता है, उसे चालक कहते हैं। लिखने की जरूरत नहीं है भाई साहब कि लिख दूं, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाह हो जाता है चालक कहलाता है। क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाह हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? चालक कहते हैं। एग्जाम्पल पहले बच्चों, जैसे आपका चांदी है, चांदी सबसे अच्छा सर्वोत्तम चालक होता है, चांदी है। ठीक है, लोहा है ठीक है, और आपका कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, जैसे आपका कॉपर है, ठीक, एल्यूमिनियम है, ये सब के सब विद्युत धारा का चालक है, यानी चालन करते हैं। इनमें सब में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसके बाद आता है विद्युत रोधी, अगला नंबर आपका आता है विद्युत रोधी। विद्युत रोधी किसे कहेंगे? ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। लिख लो आप, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता है उसे हम कहते हैं विद्युत रोधी। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे बच्चों, आपका लकड़ी है, क्या है? लकड़ी है। आपका कांच है, ठीक है, कांच के बाद आपका मेरे बच्चों रबर है। एक चीज और यहां पर मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखो, जब भी मैंने कहा कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ूंगा, तो भाई ये तो विद्युत रोधी है। अब जब विद्युत रोधी है तो इसमें आवेश उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है। देखो भाई साहब, ये जो आपका मान लो कांच या प्लास्टिक, ये प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाने के कारण आवेश उत्पन्न तो होता है, लेकिन उस आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण वो आवेश वहीं पे रहता है और दूसरे को आकर्षित करता है। यदि इसी पे मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाए तो फिर आवेश यदि एक सिरे पर उत्पन्न हुआ तो वो आवेश हमारे हाथ पे जाएगा और पृथ्वीकृत हो जाएगा, तब हम उसका एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। समझ में आया? तो लकड़ी, कांच, रबर, ये विद्युत रोधी है। इसका कारण क्या है प्यारे बच्चों? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। ये चीज नोट डाउन कर लो। तीसरा आपका आता है अर्धचालक। क्या अर्धचालक? देखो, अर्धचालक की चालकता बहुत कम होती है। इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे प्यारे बच्चों आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सिलिका, ठीक है, और जर्मेनियम, ये अर्धचालक है। ठीक है, क्या है अर्धचालक? तो लिख लो आप लोग, अर्धचालक जिसकी चालकता बहुत कम होती है, मतलब जिसकी चालकता विद्युत रोधी और चालक के बीच होता है बच्चों, उसे हम कहते हैं क्या? अर्धचालक। ठीक है, लिख लो जर्मेनियम, सिलिकॉन। ठीक है, यहां पर मैं सिलिका लिखा, सिलिकॉन लिख लेना आप लोग, सिलिकॉन, SI जिसे बोलते हैं, जर्मेनियम, ZR। ठीक है, तो चालक ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, विद्युत रोधी ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, लकड़ी, कांच, रबर, अर्धचालक जिसकी चालकता चालक और विद्युत रोधी के बीच होता है, उसे हम बोलते हैं अर्धचालक। ठीक, इतना लिख लो आप लोग। थोड़ा सा एक चीज और मैं बताऊंगा कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है और यहाँ पे जो चालक होता है उसकी क्या होती है? घटती है। ये चीज आप लिख लो, यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता में क्या प्रभाव पड़ता है? लिख लो आप लोग, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता क्या होती है?
यहाँ पर आप नोट कर लेना एक, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ताप बढ़ाने पर, क्या ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन भागते हैं, किंतु चालक पदार्थों की चालकता घटती है। ये चीज लिख लेना आप लोग, ठीक है, ये चीज लिख लेना, ठीक। ये हमने पढ़ लिया तीन चीज, विद्युत रोधी, चालक और अर्धचालक, ये आप लिख लिया करो। जो मैं बताता हूं वो लिख लो, आप एक मोटी कॉपी बना लो, कॉपी नहीं तो रफ ले लो भैया, सस्ता कोई भी, ठीक है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता क्या होती है, बढ़ती है, जबकि चालक पदार्थ होगा उसकी चालकता घटेगी, ठीक। चले आगे, चलो ध्यान देना, आगे देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, भू संपर्कण क्या है। कभी कभी दो नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, भू संपर्कण, भू से संपर्क बनाना ही भू संपर्कण होता है। हालांकि मैंने बता दिया लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप लोग इसको समझ लो, भू सम, ठीक है। ये मैंने कहा आपको कि ईंधन युक्त टैंक है, उसको हम एक जंजीर के माध्यम से पृथ्वीकृत करते हैं। ऐसा क्यों, हम बोलते हैं कि वायुयान के जो टायर है उनको सुचालक बनाया जाता है, चालक युक्त बनाया जाता है, ऐसा क्यों। भू संपर्कण का मतलब होता है बच्चों, किसी भी पदार्थ को, किसी भी माध्यम को पृथ्वीकृत करना। आप अपने घरों में देखेंगे तो तीन वायर होता है, दो वायर आपका है ना वास्तविक इलेक्ट्रिक, मतलब जहां से इलेक्ट्रिसिटी आती है वहां से लेते हैं, और एक वायर पूरा घर से रहता है, घर में कनेक्शन रहता है जिसको पृथ्वीकृत कर देते हैं। तीन वायर घरों में होता है, और ऐसे तो हम लोग नॉर्मल दो ही वायर में काम चलाते हैं, लेकिन एक्चुअल में तीन वायर का कनेक्शन होता है, जो अच्छा इलेक्ट्रॉनिक का फिटिंग करता है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है ना, वायर फिटिंग जो करते हैं अच्छे तरीके से, उसमें तीन वायर का है ना फिटिंग करते हैं। इसका कारण क्या होता है, दो वायर तो मुख्य रूप से अर्धप्रस होता है, और एक वायर और होता है, मान लीजिए आपके घर में कोई उपकरण है, कूलर ही है, रेफ्रिजरेटर है, कुछ भी है, उसमें यदि आवेश उत्पन्न हो गए तो जो तीसरा वायर होता है उस आवेश को ले जाकर के पृथ्वीकृत कर देता है, जिससे आपको झटका महसूस नहीं होता। गर्मी के दिन में अक्सर लोग कूलर को छूते हैं, टच करते हैं, तो आवेश उत्पन्न होता है, झटका महसूस होता है। इसका एक ही कारण है कि उसमें जो भी आवेश उत्पन्न हो रहे हैं घर्षण के फलस्वरूप, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण से उसमें कुछ ना कुछ आवेश उत्पन्न हो रहा है, उस आवेश को जो है वो नष्ट नहीं कर पा रहा है। यदि उसी के माध्यम से एक तार लगा होता और पृथ्वीकृत होता तो वो आवेश नष्ट हो गया होता और आपको झटका महसूस नहीं होता। तो घरों में लाइट फिटिंग के दौरान ध्यान दें कि तीन वायर होना चाहिए, तीन वायर का मुख्य रूप से यही कारण होता है। आप देखोगे कि आप जब भी बड़े उपकरण लोगे, जैसे कूलर है, आप टीवी ही लेते हो या कोई बैटरी ही लेते हो, तो तीन पिन का होता है कि नहीं, दो पिन, एक पिन तो अर्थफ्रेस हो जाता है और एक तीसरा पिन जो होता है वो वही करता है, वो तीसरा पिन उपकरण से टच होता है। क्यों होता है, क्योंकि उपकरण का वो आवेश उस तीसरे पिन की सहायता से वायर से पृथ्वीकृत चला जाए, यही है भू संपर्कण। यानी किसी भी उपकरण को एक बाह्य तार के माध्यम से पृथ्वीकृत कर देना ही भू संपर्कण कहलाता है, ठीक है, क्लियर है। कोई भी हमारे पास आवेशित पदार्थ है, उस आवेशित पदार्थ को यदि हम किसी चालक तार की सहायता से पृथ्वी से जोड़ दें तो उस आवेशित पदार्थ का जो आवेश है वो पृथ्वी पर चला जाएगा, यह जो क्रिया है वो भू संपर्कण कहलाता है। लिखाने की जरूरत है नहीं है, बस समझ लो कि किसी भी आवेशित पदार्थ को एक चालक तार की सहायता से पृथ्वीकृत कर देना ताकि आवेशित पदार्थ का आवेश पृथ्वी पर चला जाए, यह जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं भू संपर्कण। ये आगे पढ़ लो, आगे चलकर काम आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा समझा रहा हूँ। छोटे छोटे पॉइंट होते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन ऐसा भी होता है जो आपके मन में डाउट बना रहता, आपको समझ में नहीं आता। एक और आपका पॉइंट है, लास्ट है आज का, जो हम लेकर आए थे टॉपिक, प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन कैसा होता है, क्या होता है, थोड़ा समझोगे, थोड़ा आपको मैं समझाऊंगा कि प्रेरण का आवेशन क्या होता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी आप मुझे नहीं पहचान रहे हो,
आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं पहचान रहे हो, लेकिन अचानक जब आपके सामने आया तो आपने कहा यार कि सर आज पढ़ा रहे हैं, देखते हैं कौन है, पढ़ा रहे हैं कि नहीं, क्या कर रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं कि नाचने आए कि डांस करने आए कि वाकई में पढ़ाने आए, एक्चुअल में हो क्या रहा है इस चैनल पे। तो जब आप हमारे संपर्क में आए तो ऐसा लगा आपको कि यार सही पढ़ा रहे हैं, चलो पढ़ना चाहिए, या ऐसा भी लगा कि नहीं पढ़ा रहे हैं तो नहीं पढ़ना चाहिए? कुछ ना कुछ आपके मन में तो इफेक्ट आएगा, आपके मन में कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा कि वाकई में इन सर से पढ़ना चाहिए या कि नहीं पढ़ना चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग सही नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि मैं सबके अकॉर्डिंग सही हूंगा, जो मेरे भाषा को समझ पा रहे होंगे, जो मेरे को मतलब अच्छे तरीके से जान पा रहे होंगे, मेरे शब्दावली को आप अपने मन में बैठा पा रहे होंगे, तभी तो आप मुझसे पढ़ोगे। तो यही चीज होता है, मान लीजिए कोई हमारे पास एक पदार्थ है जिस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पदार्थ को इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इस पदार्थ को एक दूसरे पदार्थ के पास ले गए जिस पर, मेरे बच्चों इस पदार्थ को दूसरे पदार्थ के पास ले गए जिस पर धन आवेश और ऋण दोनों क्या है, बराबर है। क्योंकि अभी आपको बताया क्या बताया कि कोई भी पदार्थ होगा, पदार्थ में होंगे अणु और अणु में होंगे परमाणु और परमाणु में होंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो कोई भी परमाणु है उदासीन होता है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। तो ये इस पदार्थ की बात करें तो ये पदार्थ उदासीन है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बहुत है। लेकिन जैसे पॉजिटिव चार्ज आया तो पॉजिटिव किसको पास मिलाएगा, पॉजिटिव कहेगा मेरे पास आने दो निगेटिव को, हमेशा ठीक है निगेटिव को लाएगा पास में। अब भाई निगेटिव तो हर जगह था, इलेक्ट्रॉन हर जगह था, तो जब इधर निगेटिव आ गया तो ऑलरेडी इसके विपरीत वाले भाग पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जिसे कहते हैं प्रेरण की क्रिया। क्या कहते हैं, प्रेरण की क्रिया, कि जब हम आवेशित चालक को अनावेशित चालक के पास लाते हैं, जब हम आवेशित चालक को अनावेशित चालक के पास मिलाते हैं तो आवेशित चालक के समीप वाले क्षेत्र पर विपरीत आवेश और दूर वाले क्षेत्र पर समान आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि प्यारे बच्चों सिंपल है कि कोई भी आवेशित चालक यदि वो धन आवेश है तो ऋण को आकर्षित करेगा, और यदि ऋण आवेश है तो वो धन को आकर्षित करेगा। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि आखिर आवेश आ कैसे जाता है, इस पदार्थ में कहीं से आवेश आता नहीं है, ये अट्रैक्शन के कारण ये सिरों पर प्लस और माइनस उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि प्लस, पहले भी बताया गया कि जब प्लस को प्लस के पास मिलाते हैं, प्लस को प्लस के पास मिलाते हैं तो प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। माइनस को माइनस के पास लाएंगे तो प्रतिकर्षण होगा, लेकिन वहीं पे प्यारे बच्चों प्लस को माइनस के पास या माइनस को प्लस के पास लाएंगे तो इन दोनों में क्या होगा, आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण होगा। इन दोनों में आपका प्रतिकर्षण होगा और आकर्षण होगा। ये जो पॉजिटिव चीज है, इस पॉजिटिव के पास आता है तो पॉजिटिव दूर भागता है और निगेटिव पास आ जाता है। ये है प्रेरण द्वारा आवेशन। लेकिन यही घटना यदि हम आगे पढ़ेंगे संधारित्र में, धारिता वगैरह पढ़ेंगे, इसको यदि प्रसवीकृत कर दें तो अभी आपने पढ़ाई है भू संपर्कण में क्या होता है प्यारे बच्चों, जो भी आवेश होता है वो पृथ्वी पर चला जाता है जिससे कोई क्षति नहीं होती। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और आगे हमारा जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम क्रम से आपको कराएंगे। बिल्कुल आप यदि पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही प्यारे बच्चों बेल आइकन प्रेस करने। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।